जय हिंद साथियों, अभी हम लोग उपस्थित हैं एग्जाम टूर चैनल पर। आपसे बता दें, मेरे साथ नवनीत जी हैं। इनका फाइनल सिलेक्शन बीपीएससी टीआरई में हुआ है। इससे पहले ये नियोजित शिक्षक थे, यानी कि नियोजित कहने का अर्थ हुआ कि सभी लोग इस बार फॉर्म भर रहे हैं। देखिए, इनसे जानकारी लेंगे कि किस तरीका से ये कहीं तैयारी किए या केवल नियोजित शिक्षक थे, बच्चों को पढ़ाते पढ़ाते इतना इनको अनुभव हुआ कि इस बार ये बीपीएससी निकाल लिए। आपका स्वागत है एग्जाम टूर जी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कौन सा रैंक आपका आया है? मेरा रैंक है 236 इंग्लिश सब्जेक्ट में, 9th में। जैसे इस बहुत बच्चे ये सोचते थे, जिस तरीका से आप लोग का भी सिलेक्शन हुआ, बीपीएससी का नाम देखकर, नाम सुनकर ये हो गया कि बीपीएससी लेगा, एक अलग माहौल बन गया था। बहुत लोग लगातार जो पढ़ते थे या पढ़ाते थे, उनके अंदर ये भय बन गया था कि मेरा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। क्या आपके साथ भी ऐसा हुआ? नहीं, मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं था, क्योंकि मैं उसके पहले भी कई कंपटीशन दिया हूँ और दिया भी था। एक बार मैं उसके पहले केवीएस में पढ़ाता था, उसके बाद मेरी कुछ परिस्थिति कारण मैं घर पे आ गया और नियोजित शिक्षक में चयनित हुआ। कब आप चयनित हुए? नियोजित शिक्षक में मेरा चयन 2022 में हुआ है। कहाँ पे थे नियोजित शिक्षक? नियोजित शिक्षक मैं मझौलिया ब्लॉक में हूँ जी, मेरा घर बघा में ही हुआ। तो हम लोगों ने देखा कि बिहार की जो शिक्षा व्यवस्था है, उसमें काफी उसका क्वालिटी कम हो रहा है, और ऐसा प्रतीत हुआ कि क्यों ना बिहार सरकार अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम ले ले जो शिक्षा का लेवल होता है, तो बिहार की व्यवस्था जरूर सुधरेगी और इसमें कोई और हमारे जो शिक्षक साथी आएंगे वो जरूर इस व्यवस्था को निखारेंगे जी। इसके कारण हम लोग में कोई भय नहीं था। हम लोग ये मानते थे कि हम लोग को कंपटीशन देना भी चाहिए, इससे एक स्वस्थ कंपटीशन का विकास होगा, बच्चे प्रेरित होंगे आने वाले और हमारे विद्यालय भी सुधरेंगे। जो आपको देख रहे हैं इस बार, जिनका चूक हो गया कुछ अंकों से, फिर बताया जा रहा है कि 1,10,000 बड़ी वैकेंसी आने वाली है, उसकी यदि तैयारी करना चाहते हैं, जिस तरीका से आपका इंग्लिश है, कैसे तैयारी करना चाहिए? इंग्लिश के लिए आप क्या किए थे? कौन सा बुक, क्या केवल पढ़ाते पढ़ाते आपका हो गया, एनसीईआरटी एससीईआरटी भी पढ़े थे, क्या किए थे? देखिए, इंग्लिश सब्जेक्ट जो है, क्योंकि हमारे देश में सेकेंड लैंग्वेज के रूप में माना जाता है, सेकेंड लैंग्वेज के रूप में पढ़ाया भी जाता है, और चूंकि बिहार में इसका बेसिकली इंग्लिश बहुत कमजोर होता है, तो इंग्लिश पढ़ने के लिए हम बच्चों को यही सलाह देंगे, साथियों को यही सलाह देंगे कि वे पहले वर्ड मीनिंग लेवल पे, छोटे छोटे वर्डों पे और सेंटेंस बनाना शुरू कर दें। ऐसा नहीं कि वो एकाएक कोई बड़ा सा ग्रामर खरीद लिए, कोई मोटा किताब खरीद लिए और एक पढ़ते गए और उसमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ऐसे इसे करने से कुछ नहीं होने वाला है। आप एक जनरली किताब पढ़िए, उसके बाद कौन सा बुक, यदि आपसे हम पूछे, मैं सिर्फ टेक्स्ट बुक की बात अभी कर रहा हूँ कि अगर आप टेक्स्ट बुक पढ़ रहे हैं, टेक्स्ट बुक पढ़ते पढ़ते आपको सेंटेंस फॉर्मिंग का तरीका पता चल जाएगा। एक उसमें प्लेसेस जो होता है, कौन से ऑर्डर में प्रीपोजिशन आएगा, कौन से ऑर्डर में नाउन आएगा, ये सारा चीज पता चल जाएगा। स्कूलिंग कैसे हुआ, चूंकि आप इंग्लिश से है, 9th-10th में आप कहाँ पढ़े थे, कैसे आपका स्कूलिंग हुआ, क्या सरकारी विद्यालय से या प्राइवेट से? जी, मेरा जो स्कूलिंग है वो बचपन से, यानी शुरू से ही हम लोग सरकारी विद्यालय के कैंडिडेट रहे जी, और 9th-10th हुआ इसमें भी हम लोग सरकारी स्कूल में रहे। उसके बाद जब ये वैकेंसी जो आई, इसमें हम लोगों ने सोचा कि क्यों नहीं समय के साथ चला जाए, सारे टेस्ट बुक तो हम लोग पढ़ लिए, ग्रामर भी कुछ पढ़ते पढ़ते थे, तो प्रैक्टिस के लिए हम लोगों ने एक चैनल है द ऑफिसर्स एकेडमी, उस सर का, शशिशरण सर का, उनका हम लोगों ने एक टेस्ट लिया था और उसमें टेस्ट में उसका डेली देते रहते थे। उसके बाद टेस्ट कितना स्कोर आता था शशिशरण सर का, जो आप टेस्ट देते थे उसमें कितना अंक लाते थे? हम लोग जब टेस्ट देते थे तो उस टाइम 120 का जो होता था उसमें 190 ऐसे आता था जी, तो इसलिए ऐसा लगता था कि हम लोग, लेकिन एग्जाम भी गजब छकाया हम लोगों को। ऐसा नहीं कि जो हम लोग टेस्ट दिए सेम चीज आ गया, उसे एक प्रैक्टिस बना और काम करने की आदत बनी, एक बैठने की। उनके बारे में आप क्या कहिएगा, जहां आप पढ़े हैं कैसा लगा वहां का? शशिशरण सर के बारे में हम ये कहना चाहेंगे, या उनके चैनल के बारे में, कि उन्होंने अच्छे क्वालिटी का जो टेस्ट मटेरियल दिया, एक तो इन्होंने बहुत अलग से सार संग्रह निकाल उकाल के दिया, उसके साथ साथ उनका मोटिवेशन गजब का है, गजब का है। मोटिवेशन जी है। जी, उनके मोटिवेशन से क्या बोलते हैं कि एक जड़ में बैठा हुआ आदमी भी उठ जाएगा, ऐसा अगर वो अच्छा से अपने आप को जान ले, अपनी शक्ति पहचान ले। होता है ना कि हम बैठे रहेंगे तो कहाँ कुछ करेंगे, तो जो आगे बढ़ेगा, जो आगे निकलेगा, तभी तो कारवा बढ़ेगा, तभी तो दीपक जलेगा, दीपक को जलाना पड़ेगा, तभी होगा, नहीं तो संभव ही नहीं है। आप ऐसे ही बंद पड़े रहिएगा, आप सोचते रहिएगा कि मेरे अंदर पावर ही नहीं है, मैं कुछ कर ही नहीं सकता हूँ, ये भारी है, वो भारी है, मतलब मोटिवेशन काम आया, मोटिवेशन उनको करते रहना चाहिए।
जी एकदम एकदम मोटिवेट मोटिवेशन करना चाहिए और बच्चों को खुद से भी मोटिवेशन लेना चाहिए, उनकी परिस्थितियां कैसी है, उनके सोसाइटी कैसा है, उनके अगल बगल के लोग कहाँ कहाँ जा रहे हैं, वो किस दिशा में जा रहे हैं, ये तो बहुत जरूरी चीज है कि वो जाने कि हम किस दिशा में जा रहे हैं। हमारे अगल बगल का अगर कोई पड़ोसी मेरे से अच्छा निकल रहा है तो क्यों नहीं हम उससे स्वस्थ कंपटीशन करें कि चलो भाई हम आप इसमें हुए तो हम भी तुमसे एक कदम आगे चलते हैं या एक कदम पीछे ही रहते हैं लेकिन निकलेंगे। एक बात बताइए, बच्चे का ये डिमांड है क्योंकि आप लोग पहले से शिक्षक हैं, ये बेरोजगारों का सीट था, इसमें काउंट ना करके आपको लोगों को डायरेक्ट शिक्षक बना दिया जाता तो कोई दिक्कत नहीं होता। ये एक सीट किसी अभ्यर्थी को जिनका एक आधा अंक कम आ रहा है या जो विद्यार्थी पॉइंट से छट गए हैं उनको दे दे, क्या ये भी एक डिमांड बच्चे का सही है? एकदम डिमांड होना चाहिए ये, क्योंकि जो ये जो शिक्षक का सीट मिला है, जो नियोजित शिक्षक 30-40 हज़ार पास कर गए, तो एक तो ये उनके ऊपर से धब्बा हट गया कि हम लोग योग्य नहीं है, क्योंकि जो योग्य है वही पास हुए हैं क्योंकि उस लेवल का एग्जाम है। उसके बाद से इसमें जो फ्रेश सीट आता है तो हमारे फ्रेश भाई बहन इसमें सेलेक्ट होते हैं, तो कहीं ना कहीं इसमें भाई बहन जो नए आने वाले लोग हैं उनको तो प्रभाव पड़ा है, और इससे इसको लेकर सरकार को आने वाले समय में ऐसी इसीलिए शायद एक व्यवस्था बनाई गई है कि समक्षता परीक्षा दीजिए और नए वैकेंसी में आप शामिल नहीं हो पाएंगे। वैसे अभ्यर्थी को क्या संदेश दीजिएगा जो इस बार पास नहीं किए हतोत्साहित हो गए, अगला बार फिर वैकेंसी है, उनके लिए आपका क्या संदेश होगा? एकदम हतोत्साहित नहीं होना, हतोत्साहित होने की चीज ही नहीं है, आदमी गिरता है उठता है। हम अगर हार मान गए तो फिर हम तो कभी कभी ना कभी तो उठने वाले हैं ना, हम क्यों हार मान जाएंगे? एक वैकेंसी चली गई तो फिर क्या नहीं आएगी? फिर हमारे अंदर क्षमता खत्म हो गई क्या? हमारे अंदर ऊर्जा नहीं है क्या? टाइम मेरा बढ़ गया, टाइम टेकिंग हो गया, तो टाइम टेकिंग हो गया तो कुछ ना कुछ अच्छा के लिए ही हुआ है। हम अगर एक किताब पढ़े हैं तो अगर एक साल और उसी किताब को पढ़ लेंगे तो मेरा और ज्यादा रिविजन हो गया, हम उसमें और कंपटीशन फाइट करने के लायक हो गए, हमारे अंदर और क्वालिटी भर जाएगी। इसमें तो कहीं संशय नहीं है कि जो जिनका नहीं हुआ वो हताश हो जाए, निराश हो जाए, और गार्जियन को भी उनको या सोसाइटी को भी किसी से इन सभी चीजों के बारे में नहीं पूछना चाहिए कि अरे तुम्हारा तो नहीं हुआ, कभी उनको डिमोटिवेट करना ठीक नहीं होगा। बहुत अच्छा आप बोले, चूंकि पहले से भी शिक्षक हैं, एक बात आपसे प्रश्न करेंगे, जो विद्यार्थी इस बार हुए हैं या आप लोग हैं, या अब तो संख्या बढ़ रहा है शिक्षकों की बिहार में, अच्छे क्वालिटी के भी शिक्षक मिल रहे हैं चूंकि बीपीएससी एग्जाम लिए है, तो क्या इस बार से भी यदि लगा जाए बिहार के शिक्षा व्यवस्था को सुधारने में, वैसे अभ्यर्थी को पढ़ाने में जो दबे कुचले वर्ग के व्यक्ति हैं या चट्टी बोरा पर पढ़ने वाले, यदि आप लोग का सहयोग रहा तो अच्छा हो जाएगा कि नहीं बिहार का शिक्षा? एकदम अच्छा होगा, और मैं इसके साथ साथ कुछ और जोड़ना चाहूंगा कि हमारे यहाँ अभी भी बहुत सारे ट्रेडिशनल वे में पढ़ाई हो रहा है, हम इस ट्रेडिशनल वे को खत्म करना चाहिए या इसमें चेंज ट्रांसफॉर्मर अगर व्यक्तिगत रूप से सैलरी के मामले में पूछ रहे हैं क्या? नहीं, सैलरी के मामले में, विद्यालय के मामले में, क्योंकि विद्यालय में क्या क्या सुविधा, विद्यालय की व्यवस्था में सब में पहली सुधार होना चाहिए कि आज के मॉडर्न एज में प्राइवेट स्कूलों में या केवीएस एनबीएस में जो भी सुविधाएं हैं, जैसे आईसीटी लैब है, एक स्मार्ट क्लास है, ये सारी सुविधाएं होनी चाहिए, और सिर्फ स्मार्ट क्लास नहीं, उसका एक स्मार्ट टीचर भी होना चाहिए, स्मार्ट सुविधा भी होनी चाहिए, और बच्चों में ये प्रेरित करना चाहिए कि आप लोग इन सब चीजों से कुछ सीखिए। उन बहुत सारे अलग अलग, जैसे मैं पहले पढ़ाता था तो वहाँ पे एक टाटा ट्रस्ट हम लोग स्कूल में एक कॉपरेशन से एक प्रोग्राम चलाता था जिसका नाम था इंटीग्रेटेड अप्रोच टू टेक्नोलॉजी इन एडुकेशन, तो मैंने उसके थ्रू भी वहां से बहुत सारी चीजों को सिखाया, मास्टर ट्रेनर था उसका। तो ये चीज हम देखे तो हम सोचे कि ये हमारे यहाँ क्यों नहीं हो सकता है, तो इसके लेकर मैंने उन लोगों से बात किया कि हमारे अपने स्कूलों में भी करना अगर करें तो आप लोगों को क्या चाहिए, तो उन लोगों ने बताया कि देखिए आपके यहाँ परमिशन लेने के लिए SCERT जाइए या पटना जाइए, तो ऐसे छोटे छोटे चीजों के लिए जो इनोवेशन जो इनोवेटिव है इसके लिए तो अगर आप डिस्ट्रिक्ट लेवल पे ही थोड़े परमिशन दें या छोटे जैसे मोबाइल से भी हम प्रिंसिपल को ही दे दें कि वो अगर उसकी सुविधा वो देख रहा है उसे कुछ फायदा होने वाला तो क्यों नहीं। उसके बाद अगर मोबाइल से भी, क्योंकि सभी के घरों में आजकल लैपटॉप और कंप्यूटर तो धीरे धीरे फैल रहा है, इंटरनेट लगभग हर जगह है, तो अगर मोबाइल से भी वो पढ़ना चाहे तो पढ़ सकता है, बशर्ते आप ध्यान दें कि वो क्या पढ़ रहा है, क्या कर रहा है मोबाइल से, उसमें क्या देख रहा है, क्या सर्च किया है, ये बड़ी बहुत जरूरी चीजें होती हैं। और बच्चों में अगर हम इन चीजों को बताएं, विकास करें, तो निश्चय ही वो टेस्ट बुक जो हम लोग पढ़ाते हैं अगर उसका एक पैराग्राफ वो ऑनलाइन सर्च करेगा तो उससे रिलेटेड 10-10 बातें आएंगी और उसके विकास में बहुत आगे जाएगी। जो भी अभ्यर्थी देख रहे हैं या बिहार के अभिभावक देख रहे हैं या कोई भी देख रहे हैं, देख सकते हैं,
ये किस तरीका से शांत चित्त होकर सब सवाल का जवाब दिए, और ये अच्छे शिक्षक हैं, इसमें कोई किसी भी प्रकार का कोई किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। बहुत बेहतरीन, पहले भी बच्चे को पढ़ाए हैं, अभी भी पढ़ाएंगे, क्योंकि देख सकते हैं अभी इनके दिमाग में क्या क्या है कि यदि टेक्निकल हो जाए बिहार का व्यवस्था, यदि सरकार या कोई भी टेक्निकल कर दे तो कितना बिहार के बच्चे आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि बिहार के बच्चे में बहुत क्वालिटी है। आप भी देखते हुएगा यूपीएससी हो बीपीएससी हो, टॉपर कहीं मिल जाएंगे, कहीं भी एग्जाम लिया जाए वहां बिहार के बच्चे जाते हैं, शिक्षक भी अच्छे हैं। तो आप क्या सोच रहे हैं, हम दोनों जो चर्चा की है इस पर जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। यदि आपको लगे कि कोई प्रश्न मैं इनसे नहीं पूछ पाया तो आप भी कमेंट कीजिएगा, अगला जो इंटरव्यू होगा उसमें मैं शामिल करूंगा। तब तक के लिए जय हिंद। समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका।